दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके इस पटेल चैनल पे। यह वीडियो मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट टू के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जिन छात्र छात्राओं के एग्जाम्स इस बार 26 अक्टूबर से लेने की बात कही गई है। यह संभावित तिथि है और ओरिजिनल तिथि तब होंगे जब यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन प्रोग्राम व सेंट्रल लिस्ट जारी किए जाएंगे। इस बीच छात्र छात्राओं का अधिक मात्रा में कॉमेंट आ रहा है कि सर, हम लोगों के एग्जाम्स अगर 26 अक्टूबर से संभावित की गई है तो हम लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट कब तक जारी कर दिए जाएंगे, साथ में एग्जाम हेतु एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। और तो और, सबको पता है लेकिन कुछ छात्र छात्राओं को पता नहीं है कि सर, इस बार जो हम लोगों के एग्जाम्स होंगे वो किस मोड में लिए जाएंगे। सबको पता है, इसका मैं पहले बता देता हूँ कि ऑनर्स पेपर का एग्जाम सबका जो लिखित मोड है अर्थात सब्जेक्टिव मोड, उसमें लिए जाएंगे, और जो सब्सिडरी जनरल कंपोजिशन पेपरों का एग्जाम्स है वो ऑब्जेक्टिव मोड में लिए जाएंगे। तो ये चीज तो आप लोग समझ गए कि आप लोगों के एग्जाम्स किस मोड में लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का विशेष कमेंट, एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट कब जारी किए जाएंगे। तो देखिए, आप लोगों के एग्जाम्स अगर 26 अक्टूबर से लिए जाएंगे तो उसके 10 या 15 दिन पहले जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे। समझ गए आप लोग, 10 या 15 दिन पहले आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे। यूं समझिए कि आप लोगों के अगर एग्जाम 26 तारीख से हो रहे हैं तो 12 तारीख तक जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे, और लेटेस्ट 15 तारीख तक। अब आप लोगों को कहिएगा कि ये तो हो गया एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट के बारे में बात, अब हम लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी किए जाएंगे। तो इसके विषय में आप लोग सटीक समझिए कि एडमिट कार्ड किसी भी छात्र छात्राओं का इस यूनिवर्सिटी में जो पब्लिश की जाती है वो 10 या 7 दिन पहले अर्थात एक सप्ताह पहले जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों के एग्जाम 26 तारीख से हो रहे हैं तो 16 से 20 तारीख तक आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। मैं यह पूरा का पूरा जो फंडा बताया हूँ वो अगर एग्जाम होते हैं 26 तारीख को तब, और अगर एग्जाम डेट बढ़ जाती है, ये बढ़ने के चांस रहते हैं, घटने के चांस नहीं रहते हैं। तो एग्जाम डेट अगर बढ़ जाती है तो आप लोगों को वही 10-15 दिन वो आगे पीछे घसकता रहेगा, ठीक है। 15 दिन पहले ये समझिए कि आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम में सेंट्रल लिस्ट आ जाएंगे, और एक सप्ताह पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड पे क्या क्या कराना है ये आप लोगों को पता ही है कि अगर आप एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करेंगे अपने रोल नंबर के सहायता से, तब आप लोगों को अपने कॉलेज में जा करके उस पर साइन और मोहर करवानी है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा, और तो और प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ मैं अपने स्टूडेंट एक्सप्रेस चैनल का, और जिस भी सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा उस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।